सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आप सबका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। एनआईए ने रामलिंगन हत्या मामले में तमिलनाडु और पौंडेचेरी के कई जगहों पर की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी अनुसूचित जाति और जनजाति एक जैसी नहीं, रिजर्वेशन में जाति आधारित हिस्सेदारी होगी संभव। एक्सीडेंट प्रूफ रेल रूट हुआ तैयार, अब नहीं होगी दो ट्रेनों में टक्कर, अश्विनी वैष्णव ने दिखाई कमाल की टेक्नोलॉजी। आरजेडी का संसद में हंगामा, कहा आरक्षण विरोधी है सरकार, 65% रिजर्वेशन कोटे को 9वीं अनुरूचि में शामिल करने की मांग। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। सहस्त्रधारा में नहाते समय बहे दिल्ली के 3 युवक, 2 के शव बरामद, 1 को बचाया। बारिश और बादल फटने से टिहरी जिले में भारी नुकसान, सीएम ने आपदा प्रभावितों को दिलाया मदद का भरोसा। गैरसैंण में रोहिड़ा में भारी बारिश से मकान गिरा, 7 माह की गर्भवती महिला की मौत। 1 महीने से लापता रुद्रपुर के किशोर का नहीं मिला सुराग, नाराज कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। रुड़की रोजवेल परिसर में खोखे में दौड़ा करंट, महिला समेत 2 लोगों की मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।